हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले देखते हैं उन स्टॉक्स को जिन स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होते हुए नजर आए हैं पहला स्टॉक जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया है उसका नाम है बीजे डायग्नोस्टिक लिमिटेड इस स्टॉक को हमने शेयर किया था गोल्ड मेंबर्स को 26 सितंबर 2022 को और इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना तीसरा और लास्ट टारगेट किया है इस स्टॉक का आज का दिन का हाइए फोर हंड्रेड एट्टी सिक्स का चलिए अब देखते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा है दूसरा स्टॉक जिसमें आज की ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हुआ है इसका नाम है ई आई डी पैरी इंडिया लिमिटेड इस स्टॉक को भी हमने शेयर किया था गोल्ड मेंबर्स को सत्ताईस सितंबर दो हज़ार बाईस को और इस स्टॉक ने भी आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना तीसरा और लास्ट टारगेट किया है इस स्टॉक का आज का दिन का आइए सिक्स हंड्रेड नाइनटीन पॉइंट नाइन फाइव का ठीक है फ्रेंड चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है तीसरा स्टॉक जिसमें आज की ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया है उसका नाम है महिंद्रा सी आई आई ऑटोमोटिव लिमिटेड इस स्टॉक को भी शेयर किया था गोल्ड मेंबर्स के साथ तीन अक्टूबर 2022 को और इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना सेकंड टारगेट किया है इस स्टॉक का आज का दिन 307 का हाई है थ्री हंड्रेड सेवन का चलिए अब देखते हैं चौथा और लास्ट स्टॉक कौन सा है आज का हमारा फोर्थ स्टॉक जिसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया है उसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था तीन अक्टूबर दो हज़ार की वीडियो में और इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना फर्स्ट टारगेट किया है इस स्टॉक का आज के दिन का हाई है फोर हंड्रेड थर्टी पॉइंट थ्री जीरो का ठीक है फ्रेंड ये तो थे वे चार स्टॉक जिन चारों स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हट होते हुए नजर आए हैं अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम किस के स्टॉक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसको क्या आप अपने वॉचिस पर ऐड कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर है इस वीडियो में जिस भी स्टॉक पर डिस्कशन होगा वो सिर्फ लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए होगा इस स्टॉक में हमारी ओर से बाइंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक में बाइंग करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ठीक ले ले। है फ्रेंड तो चलिए बढ़ते हैं, आगे, देखते हैं आज का हमारा स्विंग टेस्ट कौन सा है आज का हमारा स्विंग है नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है सेल। इस

और ये स्टॉक अभी अपनी दोनों मूविंग एवरेज फिफ्टी डे एक्सपेंस मूविंग एवरेज एंड हंड्रेड डे एक्सपेंस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम की तो जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट पर इस स्टॉक के आज के दिन के जो वॉल्यूम थे वैसी स्टॉक के पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा के थे ठीक है फ्रेंड अब बात करते हैं चार्ट और चार्ट पैटर्न की तो जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट पर हमें एक राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है तो अभी आप इस स्टॉक को अपनी बहुत में ऐड कर सकते हैं जैसी स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में आज के दिन के हाई जिसका के लेवल है एट्टी टू पॉइंट सेवन जीरो तो जैसे ये स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में एट्टी टू पॉइंट सेवन जीरो के लेवल को ब्रेक करता है विद हाई वॉल्यूम और इस लेवल के ऊपर आधे से एक घंटे सस्टेन कर जाता है ड्यूरिंग द डे तभी स्टॉक को बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ एट्टी फाइव पॉइंट सेवन जीरो एट्टी एट पॉइंट टू जीरो एंड नाइन्टी पॉइंट सेवन जीरो स्टॉप्लस आप लगा सकते हैं जिसका लेवल होगा सेवनटी नाइन पॉइंट सेवन जीरो का और ये होगा क्लोजिंग बेसिस पर ठीक है फ्रेंड ये तो था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल का चार्ट एनालिसिस अब आप इस स्टॉक को अपनी वॉचिस में ऐड कर सकते हैं और जैसे ही इसमें डिस्कस करेंगे लेवल्स आते हैं तब आप इसमें बाइंग के लिए सोच सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए स्विंग स्टॉक के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच